केहुथर तहसील का कैथा ग्राम पंचायत बना अवैध खनन का अड्डा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर है रीवा जिले के केहुथर तहसील से, जहां पर अवैध खनन माफिया पर सरकार समय समय पर अपना शिकंजा कसती रही है, फिर भी ये खनन माफिया दिन रात फलते फूलते रहे। पुलिस विभाग द्वारा दिखावटी कार्रवाई तो सदैव की जाती रही, जिससे ये खनन माफिया डरने की जगह हाथ मिलाते रहे, जिसका जीवंत उदाहरण बन रहा है केहुथर तहसील का ग्राम पंचायत कैथा। यहाँ सुबह से ही ट्रैक्टरों का मेला लग जाता है, क्योंकि कैथा गांव में गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, जो नदी से ही तरह तरह की क्रियाकलाप करने के लिए निर्भर है। गांव की महिलाएं भी नदी आती जाती हैं। पानी के लिए उनके साथ भी प्रायः अपमानित कृत्य इन खनन माफियों द्वारा किया जाता है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी की गई है, लेकिन परिणाम शून्य है। ग्राम वासियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की गतिविधियां शंका के दायरे में आती हैं। इन खनन माफियों द्वारा यह कहने में भी कोई संकोच नहीं किया जाता कि SDOP और TI सहित सारे अधिकारी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोलने का बल उन्हें कहां से मिलता है। अभी 10 सितंबर को एक क्षेत्रीय पत्रकार ग्राम वासियों की शिकायत पर कैथा गांव जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी फिसलने से वे गिर गए। सामने से तेज रफ्तार आते हुए पावर ट्रैक्टर को देख कर रुकने का इशारा दिया ताकि वे संभल सके। अब क्योंकि ट्रैक्टर पर बालू लदी हुई थी और वह पत्रकार को पहचान भी गया, तो ट्रैक्टर द्वारा उस क्षेत्रीय पत्रकार को दबा देने की कोशिश की गई। हालांकि पत्रकार की सजगता ने उन्हें सही सलामत रखा, लेकिन बालू वाला यही नहीं रुका। उसने धमकी भरे शब्दों में पत्रकार को चेतावनी भी दी कि ये अनिल पटेल का ट्रैक्टर है, दोबारा दिखे तो चढ़ा दूंगा। पत्रकार द्वारा पुलिस चौकी सिनौरू में भी रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और धड़ल्ले से अवैध बालू खनन कैथा में इन्हीं लोगों द्वारा जारी है। पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी और खनन विभाग रीवा को भी सूचना दी गई है, पर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। इस वजह से कहीं ना कहीं ग्राम कैथा वासियों की माने तो कुछ लोगों के नाम भी बताए गए हैं, जो अधिकारियों को जेल में रखने की बात करते हैं। मखनचू पटेल बड़ोखर उत्तर प्रदेश, देवेंद्र पटेल बड़ोखर उत्तर प्रदेश, अनिल पटेल ककराहा मध्य प्रदेश, ये वो हैं जो ट्रैक्टर से अवैध बालू परिवहन करते हैं। सुनौरी चौकी के सामने से ही दिन और रात बराबर निकलते हैं। इनके अलावा जो घाट चलाते हैं प्यारेलाल मांझी कैथा, संत लाल आदिवासी कैथा, जो शासकीय चौकीदार नियुक्त कैथा में ही फिर भी SDM और तहसीलदार को जेल में रखने को धौंस देते हैं। ग्राम कैथा वासियों पर जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें और इन खनन माफियों से गाँव की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट का खबरदार।